हेलो गाइस, मैं मोहम्मद मुजम्मिल और आप देख रहे हैं मेडिको इन्फो। जब एग्जाम हो जाता है तो सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है रिजल्ट का। नीट स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नीट के रिजल्ट का डेट कब है, और बहुत लोगों ने मेरे को डीएम भी किया इंस्टाग्राम पे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि एग्जाम हुए एक मंथ हो चुका है पूरा और रिजल्ट की अभी बात कहीं नहीं चल रही। सो गाइस, अगर बात की जाए लास्ट 5 ईयर की, जो कोरोना फेज से पहले एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता था वो मई के फर्स्ट वीक में कराया जाता था, मतलब मई के फर्स्ट संडे को एग्जाम हो जाता था और उसका रिजल्ट तो है एस्टिमेट 10 से 12 जून के बीच में रिजल्ट आ जाता था। अगर बात की जाए 2021 के रिजल्ट की, तो 2021 का रिजल्ट जो है वो 30 से 35 डेज में आ गया था। इस बार का जो रिजल्ट लेट हुआ है, इसका रीजन क्या है? गंगानगर में जो प्रॉब्लम हुई थी, हिंदी इंग्लिश का जो इश्यू हुआ था, इस इश्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो गाइस, इसी वजह से केस सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसी वजह से रिजल्ट थोड़ा लेट हो रहा है। तो एस्टिमेट लगाया जाए तो रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, और जो प्रीविजनल आंसर की है वो 20 से 22 अगस्त तक आ जाएगी। तो गाइस, इसी तरह की नीट की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। और इसी तरह मैं नीट से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बताता रहूँगा।